हर हर गंगे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 3 जुलाई और दिन है सोमवार और अभी हम खड़े हैं हरिद्वार के शिव घाट पे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दर्शन कराने वाले हैं हरिद्वार हरकी पौड़ी से माँ गंगा मैया के। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी दोस्तों हम जो है शिव घाट पे हैं, तो आप शिव घाट का नज़ारा देख सकते हैं, साथ ही जो है यहाँ से माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और बात करी जाए मौसम की, तो भाई आज जो है कुछ घंटों पहले बहुत ही मूसलाधार जो है बारिश हुई है। अभी जो है बारिश थमी है, लगभग जो है 8:30 बजे का टाइम हो रहा है इधर, सॉरी 10 बजे का टाइम हो रहा है इधर में। और मौसम जो है लगता है अभी धूप निकलने वाली है। तो चलिए शिव घाट से आप भोलेनाथ जी के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं और शिव घाट से भी आप माता काली के दर्शन कर सकते हैं, गणपति महाराज के दर्शन कर सकते हैं, शेरों वाली माता के दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ जी के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं, विष्णु महाराज जी, शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं और बजरंगबली महाराज के दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। और शिव घाट पे भी देखोगे तो दोस्तों अभी जो है कांवड़िया इधर भी जो है घाट पाने लगे हैं। पहले जो है शुरुआती दिनों में जो है हरकी पौड़ी पे कांवड़िया देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों हम चल रहे हैं हरकी पौड़ी की तरफ। और यहाँ से अगर देखोगे तो हरकी पौड़ी पे जो है काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है, देख सकते हैं। अभी कुछ घंटों पहले इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी और उसके बाद भी जो है श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और यहाँ पर ब्रिज पे जो दुकानें लगा करती थी, बरसात होने की वजह से वो हट गई है। तो इधर में अगर आप आ रहे हो तो मौसम जो है यहाँ पर बदलाव हो रहा है, बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है। कल अच्छी खासी धूप थी लेकिन आज जो है काफ़ी जो है मूसलाधार बारिश हुई थी। अभी जो है बारिश 10 बजे के लगभग में बंद हुई है इधर में। अभी हम जो है हरकी पौड़ी की तरफ आ चुके हैं, सामने हरकी पौड़ी है, अंदर भी चलेंगे तो यहाँ से आप जो है नज़ारा देख सकते हैं हरकी पौड़ी का और श्रद्धालुओं की संख्या देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है जल की काफ़ी तेज़ जो है गति हो चुकी है बरसात होने की वजह से, लेकिन जो है सीढ़ियों के काफ़ी नीचे तक जो है जल बह रहा है, जिससे जो है स्नान करने में इधर काफ़ी परेशानी हो रही है। और काफ़ी सारे जो श्रद्धालु है वो ग्रिलों के इस पार स्नान कर रहे हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हैं ये खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होता है। और दोस्तों सामने जो आप ये घाट देख रहे हैं, ये नाई घाट का नज़ारा है। और यहाँ पर देख सकते हैं बरसात होने की वजह से जो जल का कलर है बिल्कुल ही जो है बदल चुका है। यहाँ पर काफ़ी जो है नीचे से रेत जो है इसमें से उठ रहा है, जिस वजह से जल में देख सकते हैं क्या बदलाव है, पूरा लाल तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन काफ़ी जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर स्नान करने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे तक जो है जल पूरी तरह से बह नहीं रहा, जिससे अच्छे से जो है कोई भी श्रद्धालु डुबकी नहीं लगा पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो तो जल की जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लहरें बह रही हैं, तो कोई भी श्रद्धालु जो है अगर आए तो बीच में बिल्कुल जाके स्नान ना करें, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर रिस्की भरा है, देख सकते हैं। और नाई घाट का भी आप नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ से भी जो है माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और नाई घाट के दूसरे तट की तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कांवड़िया है अपनी कांवड़ को तैयार कर रहे हैं। और इधर में भी देख सकते हैं लगभग जो है एक कलश के अंदर इसमें 18 से 20 लीटर का जो है जल होता है, तो कुल मिलाकर अगर ये 6 कलश हैं तो इसमें लगभग जो है 120 लीटर गंगा जल होगा। तो यहाँ पर जो है कांवड़िया अपनी जो है कांवड़ को तैयार कर रहे हैं और जल भर रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ से कांवड़ लेकर जाएंगे। और इधर में अगर आप देखोगे हरकी पौड़ी के दूसरे तट की तरफ, तो यहाँ पर भी जो है लगभग 2 से 3 फीट ही जो है जल अंदर जो है बह रहा है, और जिससे जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर स्नान करने में हो सकता है दिक्कतें हों। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कांवड़िया अपनी कांवड़ को लेकर जा रहे हैं। और भी जो है भोले भक्त यहाँ पर जो अपनी कांवड़ को तैयार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप जो है हरिद्वार से लाइव कांवड़ यात्रा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम हरिद्वार से ऐसे ही जो है लाइव कांवड़ यात्रा अपने इस चैनल पर दिखा रहे हैं। और अभी जो सामने घाट देख रहे हैं, ये अस्थि प्रवाह घाट है और सामने यहाँ पर जो है हरकी पौड़ी के मुख्य ब्रह्मकुंड के मंदिर है। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर है। तो चलिए यहाँ से आप माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो श्रद्धालुओं काफ़ी जो है स्नान करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दो से तीन फीट ही यहाँ पर जो है पास में जो है पानी चल रहा है, जो जल बह रहा है सीढ़ियों पर जो है जल नहीं बह रहा है। तो नज़ारा आप सामने देख सकते हैं, उधर में जो है जो हरकी पौड़ी के मुख्य घाट है उधर में काफ़ी कम जो है श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। नीचे की साइड में थोड़े बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो सीढ़ियाँ है वो खाली है। और यहाँ पर भी आप नज़ारा साफ देख सकते हैं। तो अभी चलेंगे हम मंदिरों से आप सभी को जो है दर्शन कराएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा।
और अभी जो है हम अस्सी परवा घाट ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से जो है आप नाई घाट का नज़ारा देख सकते हैं, साथ ही माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और अभी जो है आपको हर की पौड़ी से यहाँ से नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए आप जो है दोनों तटों से जो है हर की पौड़ी का नज़ारा देख सकते हैं, कितने ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु हैं। और यहाँ से शंकराचार्य मठ से जो है आप गणपति महाराज के दर्शन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी जो है यहाँ पर श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं अंदर मुख्य मंदिर से आप सभी को दर्शन कराएंगे। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं हर की पौड़ी के मुख्य द्वार पे और यहाँ से आप सभी को जो है माँ गंगा मैया के ताज़े दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से जो है महर्षि वाल्मीकि जी के आप दर्शन कर सकते हैं, बालाजी महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं, काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, सत्यनारायण जी के आप दर्शन कर सकते हैं, केदारनाथ महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, प्राचीन बद्रीनारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से आप माता काली के दर्शन कर सकते हैं। आप सभी को जो है माँ गंगा मैया मुख्य मंदिर से दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से आप जो है माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं, माँ शेरावाली की माता के दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप सूर्यनारायण जी के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप बद्रीनारायण लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों हर की पौड़ी का ये नज़ारा है, सामने यहीं पर जो है 6:30 बजे गंगा आरती होती है। तो यहाँ से आप माँ गंगा मैया का ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। अभी आप सभी को लेकर चलेंगे ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर से दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आप सभी जो है ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर से बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ जी के आप दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप भोलेनाथ माता पार्वती जी के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप श्री सत्यनारायण जी के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप राधा कृष्ण जी के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप अन्नपूर्णा माँ चामुंडा देवी के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर से भी आप जो है माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम हर की पौड़ी के मुख्य घाट पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी जो है आप माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी जो है मैंने हर की पौड़ी से माँ गंगा मैया मुख्य मंदिर से आप सभी के दर्शन करा दिए, साथ ही ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर से आप सभी को दर्शन करा दिए हैं। और आप सभी जो है यहाँ से हर की पौड़ी से नज़ारा देख सकते हैं, साथ ही माँ गंगा मैया का ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जो है हर की पौड़ी के मुख्य घाट की तरफ खड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी को 3 जुलाई दिन सोमवार से हरिद्वार हर की पौड़ी से माँ गंगा मैया के ताज़ा दर्शन कराए हैं। दोस्तों अगर मुझसे कोई घाट छूटा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह से जो है बारिश हो रही थी, फिलहाल जो है यहाँ पर मौसम अभी खुल चुका है, लेकिन आगे जो है कह नहीं सकते यहाँ पर जो है बारिश हो, क्योंकि दोनों तरफ से जो है यहाँ पर मौसम जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी हरिद्वार से इस तरह से लाइव दर्शन कर सके। और डेली अगर आप हरिद्वार से ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।